आपके साथ एक और बात करने का मौका मिला और आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट गुजराती, एंड उसमें पोएम है 30 वतनो तलसाट। इसका साहित्य प्रकार है सोनेट, और सोनेट एक ऐसी काव्य रचना होती है कि जिसके अंदर 1/4 14 लाइंस होती है। स्टार्टिंग के अंदर चार चार के पूरा ग्रुप के हिसाब से 3 बार रिपीट किया जाता है, यानी 4 3 12, और लास्ट के अंदर उसका कंक्लूज़न मूरल दिया जाता है। तो इस तरह से लास्ट की 2 लाइन में टोटल 12 + 2 यानी कि 14 हो जाती है। कभी कभी वो आगे भी रख देते हैं और कभी वो लास्ट में भी होता है, पर सोनेट के अंदर हमेशा 1/4 14 लाइन्स ही होती है। और काफ़ी सारी सोनेट के अंदर बहुत सारे कवियों ने अपना कार्य किया है, पर आज जो हम कवि की बात कर रहे हैं उस कवि का नाम है रमणिक अराल वाला, और पोएम का नाम है दैट इज वतन नो तलसाट। वतन मतलब क्या होता है? वतन मतलब अपना देश, वतन मतलब वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, वो गांव, वो गली, वो मोहल्ला, वो घर, वो हमारा वतन है। चाहे विदेश के अंदर रहते हो तो भारत हमारा वतन है, और उसी तरह से जीवन के अंदर हर किसी की लाइफ के अंदर वतन के प्रति एक अलग प्रकार का ही लगाव, एक खिंचाव, एक प्यार होता है, और वो प्यार यहाँ पर रमणिक भाई अराल वाला पेश करते हैं इस काव्य के अंदर। परेशानी को जिस प्रकार से कि रमणिक अराल वाला जो है वो विदेश में है, अपने देश में नहीं है, परदेश में है। और कहते हैं ना कि जब देश से दूर होते हैं, अपनों से दूर होते हैं, तो उसका महत्व समझ में आता है। उसी तरह से वतन का महत्व आज रमणिक भाई अराल वाला को इस काव्य के द्वारा ऐसा व्यक्त किया है कि जीवन के अंदर हर कोई चाह यही रखता है कि मेरा जीवन अपने वतन में ही बीते, परंतु जब विदेश में किसी कारण से रहने जाना पड़े तो किस तरह से वहाँ पर प्रदेश में अपना वतन याद आता है, वो इस काव्य के माध्यम से उसने पेश किया है। तो समझते हैं आज की पोएम, पोएम नंबर 13, वतन नो तलसा, स्टैंडर्ड 12, गुजराती। सबसे पहले रमणिक भाई के बारे में जानकारी लेते हैं। रमणिक भाई अराल वाला गांधी युग के समाज विमुखता के उपरांत स्वबड़े केड़वायड़ा सौंदर्य रागी के ऊपर उसने काफी सारी कविताएं लिखी। उसका जन्म खेड़ा जिला के अंदर खेड़ाल गांव के अंदर हुआ। अपने जीवन के अंदर पढ़ाई के बाद उसका जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ दैट इज प्रतीक्षा, जो 1941 के अंदर पेश हुआ था। उसके बाद नगीनावाड़ी 1941 के अंदर, 1945 के अंदर रसबोड़ी और सांदीपनिना रेखा चित्र उसने 1945 में प्रकट किया। साहस कथा के ऊपर भी काफ़ी सारे अनुवाद का भी कार्य किया देश विदेश की बातों में, जो उसको 1946 के अंदर पेश हुआ। और आज की हमारी पोएम के अंदर वो मैं वतन का, वतन में क्या क्या होता है, गांव में क्या क्या होता है, तो वतन के अंदर होता है अपना तन, यानी कि हमारा तन के साथ होता है मन भी, और साथ में होता है खेतर यानी कि वन। तन मन और वन, खेतर कोतर नदी डूंगर कुआ पनिहारी लोकगीत और स्माइल संवेदना, अपने लोग मित्र बहन, वो स्कूल, और वो स्कूल के पास आया हुआ छोटा सा बरगद का पेड़ जिसके नीचे हमने झूला झूला था, ये सारी बातें वतन में होती है। और इस वतन की बातें किस तरह से इस काव्य में प्रकट की गई है, लिखा है कुछ प्रकार से। शुरुआत में लिखा हुआ है सोनेट, सोनेट इस तरह से लिखा जाता है, खास याद रखिएगा, और 14 लाइन वाला सोनेट होता है। इस काव्य के अंदर मंदाक्रांता छंद का इस्तेमाल किया गया है। बोर्ड एग्जाम में शायद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मंदाक्रांता छंद एक व्याकरण का पार्ट है, किसमें से लिखी गई कौन सी पोएम है दैट इज वतनो तलसा, साहित्य प्रकार क्या है दैट इज सोनेट, 1/4 14 लाइन्स होती है। इन क्या कहते हैं लेखक इसके अंदर, कवि क्या कहते हैं कि लांबी गाड़ी लांबो समय दूर ना, दोहला पानी पी पी जावा हावा जन्म भूमि ये प्राण नाखे पछाड़ा। जो लेखक है वो विदेश के अंदर रहते हैं, और विदेश की धरती के ऊपर उसने बहुत लंबे समय से उस धरती का पानी पी पी कर अब थोड़ा उब चुके हैं। उसको अब असंतोष हो रहा है कि मुझे जल्द से जल्द अब इस विदेश की धरती को छोड़कर मुझे अपने वतन जाना है। उसके शरीर के अंदर की आत्मा है, मन है,
वो पछाड़ा मार रहा है, प्राण जो है उछाला मार रहा है कि चल मुझे जल्दी से जल्दी इस दुर्लभ जो पानी है वो पी पी कर अब हमें जाना है अपने देश, अपने वतन के अंदर जाना है, भारत देश में जाना है। तो इसके शरीर के अंदर, मन के अंदर की आत्मा, उसका प्राण उसको बोल रहा है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी जन्मभूमि के ऊपर लेके जा। इस तरह से यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि मन जो है, कभी कभी होते हम एक जगह पर वो विदेश के अंदर भी पूरा का पूरा चक्कर काट के आ जाता है। चाहे आप खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दो तो भी वो चलता ही रहता है। उस तरह से यहाँ पर मन जो है वो वतन में है और तन उसका परदेश में है। इस तरह से बताना चाहते हैं, आगे बताते हैं कि क्या है वतन के अंदर। तो वतन के अंदर होता है गांव और गांव के अंदर होता है कुआं। कुआं ना काठे कमर लड़लती, पानी यारी रसाड़ा। जो पनिहारी होती है वो गांव के अंदर, जैसे आप एंट्री करोगे तो बड़ा सा कुआं आपको दिखाई देता है। वो कुएं के पास पे जो पानी भरने वाली जो औरतें होती है उसको पानियारी कहते हैं। एक के ऊपर दूसरा अपना मटका रख रख कर घर तक पीने का पानी ले जाने वाली अगर औरत हमें कहीं पर दिखाई देती है तो हमारे गांव में, हमारे वतन में दिखाई देती है, उसको देखने का मन कर रहा है। रसाड़ा, जो रस से भरे हुए खेतरों के अंदर पवन की तरह इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ने वाले जो किसान है, जो मजदूर है, किसान की पत्नी है, किसान के बच्चे हैं, जो खेडूत है, वो खेडूत हमें इस धरती के अंदर, जो धरती हमारे लिए अन्न को पूरा करने वाली अन्नपूर्णा है, वो हमें वहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि गांव में, अपने वतन में। तो रस वाली क्षेत्र क्षेत्र खेतरों खेतरों के ऊपर अनिल की तरह, पवन की तरह इधर से उधर दौड़ने वाले जो किसान, किसान की पत्नी और उसके बच्चे, वो हमें वतन में ही दिखाई देते हैं। आगे बताया गया है कि गांव के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक शुरुआत में ही बरगद का पेड़ दिखाई देता है। उस बरगद के पेड़ के नीचे ज़्यादातर गांव के बुजुर्ग बैठे होते हैं। ये इसी के कारण है कि बरगद के पेड़ को हम वड़ दादा कहते हैं, जो एंट्रेंस पे ही हमेशा ज़्यादातर दिखाई देते हैं, और उसके नीचे होते हैं शंभू दादा, यानी कि शंकर दादा। ये जो मंदिर होते हैं उसका फ्लैग होता है बरगद के ऊपर की साइड में। इस तरह से कहते हैं कि हिंडोलाता हरित तृण ए खंतीला खेडूत ना। ये जो खेडूत है, किसान है, बहुत ही मेहनती है और वो इस जमीन के अंदर अपना खून पसीना एक कर कर हमारे लिए खूबसूरत सा अनाज, मीठा सा अनाज, रस मधुर अनाज पकाता रहता है। और उसके साथ साथ गांव के अंदर जहां पर बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ को वड़ इस्तेमाल किया, गंभीर वड़ला, बहुत ही सीरियस होता है, इसलिए यहाँ पर बोला है कि दादा के अंदर सिंसियरिटी होती है, इसलिए वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, गंभीर वडला। और उसके नीचे बैठे हुए काफी सारे लोग मीठे प्यारे मधुर गीत गाते हैं। शंकर भगवान का जीर्ण देरू, छोटा सा मंदिर होता है ना, उसको देहरू कहते हैं, देरी कहते हैं। यहाँ पर वर्ड नपुंसकलिंग में इस्तेमाल हुआ है, दैट इज देरू, देरू के ऊंच है। तो छोटा सा वर्ड यहाँ पर है। ज्यादातर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंदर हमेशा आप देखिए कि छोटे बड़े का भेदभाव भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि चमची तो छोटी है पर चमचो बड़ा है, कड़ी जो कान में पहनते हैं वो छोटी है, हाथ में पहनते हैं कड़ू बड़ा है। तो छोटे बड़े का भी भेदभाव हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे पता चलता है। छोटा सा मंदिर है, सो वर्ड इस्तेमाल किया देरू, पर जीर्ण है, पुराना है, इसलिए उसको जीर्ण कहते हैं। तो शंकर भगवान का एक छोटा सा मंदिर आपको गांव के अंदर एंट्री करोगे तो वहां पर ये दिखाई देता है, और वहां पर काफी सारे लोग भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे, और वो वडला को यहाँ पर वड़ दादा, गंभीर होने के कारण से, यानी कि सीरियस होने के कारण से गंभीर वडला बताया गया है। आगे वर्ड दिया है कि वागोड़ता धन। वागोड़ना क्या होता है कि गाय के अंदर, एनिमल के अंदर ज्यादातर ये आदतें होती है कि वो बहुत सारा ग्रास होता है, घास होता है, एक साथ खा लेते हैं, और फिर जैसे ही समय आता है बैठते और धीरे धीरे करके उसको वापस से अपने मुंह में लाकर उसको जुगाली करते हैं, खाते हैं, तो उसको वागोड़वू कहते हैं। और धण होता है कि गायों का जो पूरा समूह होता है उसको धण कहते हैं। यही बरगद का पेड़ है जिसके नीचे काफी सारी गाय भैंस बैठी होती है, और जब उसको आराम मिलता है तो वहां पर बैठे बैठे अपने
मुंह के अंदर वो सारा का सारा खाना लाती है और उसको वागोड़ते हैं। तो ये जो धण है वो आपको गांव के एंट्रेंस पे, वो बरगद के पेड़ के नीचे ही दिखाई देंगे। तो वाघ उड़ता धण वो गांव में दिखाई देता है। उड़ी रहियो वाउटो व्योम गेरू, गेरू मतलब मिट्टी के रंग जैसा, आकाश के अंदर खूबसूरत सा बरगद के पेड़ के ऊपर जो ध्वजा होती है, ध्वज होता है, फ्लैग होता है, वो उड़ता हुआ हमें गांव में ही दिखाई देता है। और उसी बरगद के पेड़ के नीचे हम अपने भाई दोस्त के साथ हम वहाँ पर छुपम छुपाई खेलते हैं। इसकी तरह हम हिचका, जिसको हम कहते हैं ना, झूला झूलने का काम करते हैं, अपनी बहनों के साथ, अपने लंगोटिए यार के साथ हम ये कार्य करते हैं। तो लिखा है कि ओछी ओछी थती भगिनी लंगोटिया बाल्य भेरू, भेरू का मतलब होता है मित्र, लंगोटिया यार बचपन का मित्र, जिसको हम कहते हैं चड्डी बड़ी कहते हैं, तो लाइक चड्डी बड़ी है ये। तो ये लंगोटिया मित्र हमें याद आता है, भगिनी मतलब बहन याद आती है, कि ये जो बंदे हैं उसको हम गांव के अंदर जो हमने उसके साथ समय व्यतीत किया था, अपना बचपन व्यतीत किया था, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है वतन के अंदर। और इसी तरह से लेखक को ये सारा का सारा नज़ारा विदेश के अंदर जब याद आता है तो अचानक से वो नींद के अंदर से उठ जाते हैं। जंखी निंद्रा मही झबक, तो अचानक से शॉकिंग तरीके से उठ जाता है कि ओहो ये मुझे जो अपना गांव है, वतन है, मुझे बुला रहा है, और मैं जागता नींद ले तो, और जागते हुए भी नींद की कोशिश कर रहा हूँ कि वापस से नींद के अंदर मुझे वो वतन दिख जाए, तो मेरे लिए वो भी बहुत है। हैया घेला हैया सहुई मलसे, और इस तरह से जो हयू है, हृदय है, वो पागल हुआ है। वो हयू कह रहा है कि भाई चल मुझे जल्दी से उस वतन की ओर लेके जा। वो मन के अंदर की बातें उसको प्रकट करते हैं, इसलिए नींद में भी वतन याद आता है, और जागते हैं उठते हैं तो भी उसको वो वतन की ही तलसाट लगा रहता है। परंतु इन सब के अंदर उसको याद आता है काल रूपी अग्नि, काल बोले तो मौत, और आग, आग रूपी मौत। इंसान मर जाता है तो उस डेड बॉडी को हम समर्पित कर देते हैं उस आग को, तो काल रूपी आग को भी उसको याद आती है। क्या याद आती है? अच्छे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ भी होती है। देखो तीन प्रकार के फूल होते हैं, होता है मोगरा, तो जो मोगरा होता है वो बस अच्छी 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 ही चीज़ देता है, यानी कि अच्छी स्मेल देता है। दूसरा होता है वो है गुलाब, उसके अंदर खुशबू तो है पर साथ में कांटे भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी यादें होती है जिसमें अच्छी के साथ बुरी यादें भी ज्वाइंट होती है, और कुछ ऐसी यादें भी होती है मोगरे जैसी, सो सिर्फ अच्छाइयाँ ही देती है, पर कुछ ऐसी भी यादें होती है जिसको हम नाम देंगे फूल धतूरे का, जो जहरीला है, गंदा है, कोई स्मेल नहीं है, तो सिर्फ बुरे यादें होती है, वो धतूरे जैसी होती है। अच्छी और बुरी दोनों साथ में होती है, गुलाब जैसी होती है, पर कुछ ऐसी यादें होती है जो सिर्फ अच्छी यादें देते हैं, वो मोगरे जैसी है। तो इस काव्य के अंदर कवि को गुलाब का एहसास होता है, क्योंकि अच्छी के साथ बुरी चीज़ इसमें क्या है? तो बुरी चीज़ ये है कि उस गांव के अंदर, उस वतन के अंदर माता का भी मृत्यु हुआ था, तो वो भी मुझे याद आ रहा है कि सांभरेला स्मृति सुमनना, स्मृति मतलब याद, और सुमन बोले तो फूल, वो फूल भी मुझे याद आते हैं कि जहाँ पर, जिस वतन के अंदर मैंने अपनी माँ को भी गवाया था, और उस माँ को हमने काल रूपी अग्नि को भी सौंपा था। आसिचवायलू अब निरखू मोढ़ू क्या ए मावड़ीनू, अब वो माँ जो है मेरी प्यारी दुलारी सबसे ज़्यादा अजीज़ ऐसी जो माँ है वो मुझे नहीं मिलेगी। वतन की यादें हैं, मित्र है, बरगद का पेड़ है, शंभुनु जीर्ण देरू है, सारी चीज़ें हैं, वतन जाने का मन भी है, पर वहाँ पर माँ भी तो नहीं है। जाऊँ तो किस हिसाब से जाऊँ? जाऊंगा तो वापस से वो माँ की याद आएगी। इसलिए कवि के मन के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि जाऊं तो क्यों जाऊं, ना जाऊं तो क्यों जाऊं। बताते हैं कि वाहली तोये ये जननी रही का, ये मुझे वतन अच्छा लगता है, मुझे अपना देश अच्छा लगता है, परंतु ये वतन के अंदर, ये जन्मभूमि के अंदर अब मेरी माता जननी नहीं है। जननी सहिता जन्मभूमि वदिशे, इसलिए अब मैं विदेश के अंदर बैठे बैठे अपनी जन्मभूमि जहाँ पर मेरी माता नहीं है उसको मैं बैठे बैठे झंखी रही हो छू।
मतलब उसको पाने की इच्छा कर रहा हूँ, परंतु बस यादों के अंदर ही सिर्फ मेरी माता समा के रही हुई है। इस तरह से विदेश में अपने जन्मभूमि को तो याद करते हैं, पर साथ में उस माँ को भी याद करते हैं। तो ये इस पोएम के अंदर पूरा बताना चाहते हैं। देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उसके। नीचे आपेला प्रश्नों ने एक वाक्य में उत्तर आपो। कवि ने शेनी झंखना छे, कवि ने पोताना वतन नी झंखना छे, वतन यानी कि अपना देश। कोनी स्मृति मतलब याद थी कवि नु मन अतृप्तता अनुभवे छे, कवि नु मन पोतानी मृत पामेली माताની સ્મૃતિ યાદથી અતૃપ્તિ સેટિસ્ફાઈડ નહીં હોતે હૈ। કવિનો વસવાટ ક્યાં છે? કવિનો વસવાટ અત્યારે વિદેશ યા ફિર પરદેશમાં છે। કેવા રંગનું નિશાન કવિ જુએ છે? કવિ ભગવા રંગના વાવટા મતલબ ધજા, મેં આપકો બતાયા કે બરગદ કે પેડ કે ઉપર વો ખૂબસૂરત સા ફ્લેગ, ઉસકી નિશાની આજ ભી ઉસકો યાદ હૈ કે દૂર સે બતાએંગે વો દેખો બરગદ કા પેડ દિખાઈ દે રહા હૈ તો કે હા, ઉસકે ઉપર જો ફ્લેગ દિખાઈ દે રહા હૈ તો કે હા, બસ વહી મેરા ગામ હૈ, વહી મેરા વતન હૈ, ઓર વહી વતન કા વિદેશ કે અંદર મેરા તલસાટ હૈ, પ્રાપ્ત કરને કી ઈચ્છા હૈ। કવિ કેટલા સમયથી જન્મભૂમિથી દૂર રહ્યા છે? ઘણા લાંબા સમયથી દૂર રહ્યા છે। કવિની સ્મૃતિમાં કુવાના કાંઠે કોણ દેખાય છે? કુવાના કાંઠે કમરેથી વાંકી ચૂકી વળેલી અને પાણી ભરતી પાણીયારીનું સ્મૃતિ કવિની આંખો કે સામને સમક્ષ ખડા હો જાતા હૈ। આગે મહાદેવના જૂના પુરાણા મંદિરની સાથે કવિને શું શું યાદ આવે છે? મહાદેવના જૂના પુરાણા મંદિરની સાથે તેની નજીકનો ઘટાદાર અને શાંત વડલો અને મંદિરમાં ગવાતા મીઠા મીઠા ગીતો યાદ આવે છે। કવિ તેના મિત્રો અને બહેન વિશે શું વિચારે છે? કવિ વિચારે છે કે વતનમાં જઈને તેના લંગોટિયા બચપન કે જો મિત્ર હૈ તે મળશે, વળી કવિને જોઈને તેની બહેનની આછી આછી યાદ ભી આતી હૈ કે જિસકે સાથ ઉસને અપના જીવન બિતાયા થા, બચપન કે વો દિન બિતાયે થે, વો બરગદ કા પેડ જહાં પર ઉસને ઝૂલા ઝૂલા થા। જંખી નિંદ્રા મહી જબકતો જાગતા આનંદ લેતો, इसके अंदर कवि क्या बताना चाहते हैं, उसकी मनोदशा क्या है? घना वर्षों थी कवि पोताना वतन थी दूर रहियो हुआ थी, हवे ऊंघमा पण तेने आप्त जनु मतलब पोताना स्नेही जनु मित्र या फिर अपने रिलेटिव्स जो है ते मित्रों गाम गाम वासों ने याद आवदवा लागी छे, जेते तेने ऊंघमा पण अचानक से वो जाग जाते हैं, वळी ऊंघ पूरी न थता सवार पड़ता जागता ऊंघ लेते हैं और जागते हुए सोते हैं तो सोते हुए जागते हैं। इस तरह से हर जगह पर उसको वतन की यादें परेशान कर रही है। कवि जन्मभूमि ने जननी रहिता शा माटे कहे छे, कवि नु माता नु अवसान थई गयेलू हुआ थी, कवि हवे तेने जन्मभूमि ने जननी रहिता कहे छे, जहाँ पर जननी मतलब माता, रहिता नहीं है, ऐसी जगह को जननी रहिता जन्मभूमि कही है। वतन नो तलसाट नो काव्य का प्रकार है सोनेट, 114 लाइन का काव्य प्रकार होता है। કવિ તેને જન્મભૂમિને ખેતરોની કલ્પના કરે છે, તેમની જન્મભૂમિના ખેતરો કેવા છે? લીલાછમ છે અને લહેરાતા પાકોથી ભરેલા છે, પાક બોલે તો ક્રોપ્સ, ઓર લહેરાતા મતલબ એસે લહેલાતે હુએ જો ખેત હમ કહેતે હૈ, દેટ ઇઝ લહેરાતા પાકો દ્વારા। નાઉ ઉસકે એક લોંગ આન્સર હૈ જો બહોત હી ઇમ્પોર્ટેન્ટ હૈ, તો યહાં પર બતાયા ગયા હૈ વતન નો તલસાટ કાવ્યમાં કવિનું કલ જે કલ્પાંત છે, પરેશાની હૈ, દુઃખ હૈ, વો ક્યા હૈ? તો આપકો ઇન્ટ્રોડક્શન લખના પડેગા। શ્રી કવિ દ્વારા ઘણા વર્ષોથી વસવાટ કરે છે વિદેશમાં, ઓર અબ વહાં પર સજીવ નિર્જીવ વસ્તુઓની યાદ કરતા કવિ થોડા ભાવુક હો જાતે હૈ, તે વતન પાછા ફરવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે। આ વિચાર આવતા કવિની આંખોની સામે ક્યાં ક્યાં ચીજ દીખતી હૈ? તો કે વતનનો એક કૂવો, કૂવાના ઘાટ ઉપર પાણી ભરતી પનિહારી, યાની કૂવો ઇઝ અ નંબર વન, ઉસકે બાજુમાં પનિહારી, फिर वतन के अंदर का जो महादेव की जीर्ण देरू, उसके पास बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे उस मंदिर के पास मीठे मधुर गीत या भजन गाते हो, वतन के अंदर वो खेतर, खेतरना लीला छंपार, खुशी थी गीत गाता खेडू तो, वतनना शेरी के अंदर खेलने वाले लंगोटिया मित्र, उमड़ का भेर आवकार देने वाली भगिनी मतलब बहन, आ सौने तेने याद आवे छे અને આનંદમાં આનંદમાં દ્રશ્ય એની આંખોની સામે સમક્ષ ખડું થઈ જાય છે। કવિ પોતાની માતાને યાદ કરે છે અને ફૂલ પરથી પરાગ જેવી રીતે અલગ થાય તેમ તેના જીવનમાં એ વતનની અંદર તેની માતા તેના જીવનથી અલગ થઈ ગઈ હતી।
તેનાથી સુવાસિત મહેકી ઉઠેલા વાતાવરણને પણ એ યાદ આવે છે અને કહે છે કે કાશ માતાની સાથે ફરી મળી શકાય તો કેવું હોય. પરંતુ જેમ ફૂલોની સુગંધ વાતાવરણમાં સમાઈ ગયેલી છે તેમ માત્ર હવે માતાની અનુભૂતિ જ કરી શકાય છે, પામી શકાય છે. તેવી રીતે મૃત્યુ પામેલી માતાને કવિ પામી શકતા નથી. વતનમાં પાછા આવવા છતાં પણ માતાની યાદોની સુગંધ એ માણી શકતા, પરંતુ માતાને મળી શકાતું નથી. આ હકીકતનું સ્મરણ થઈ આવતા તેનું મન કલ્પાંત કરે છે. કવિનું મન વિહવળ બની જાય છે. વતનમાં પાછા આવવા છતાં વતનમાં માતા નથી મળી શકવા, તેથી માટે વતન શા માટે પાછા ફરવું? આ પ્રશ્ન કવિના યાદોમાં વિદેશમાં વસવાટ કરવા છતાં પણ હંમેશા પરેશાની રાખે છે કે હું વિદેશમાંથી દેશમાં જઈશ તો ત્યાં કદાચ મને તે જીર્ણ દેરું, એ વડલો, એ ગાય, એ મિત્રો, એ બહેન, એ બધા જ મળશે. હા, સમયને કારણે થોડાક ઘરડા થયા હશે, જીર્ણ થયા હશે, પરંતુ મળશે જરૂર. પણ માતા મળશે? નહીં મળે. બસ માત્ર યાદો જ રહેશે. આથી આમ કવિ વતન પાછા ફરવાનું થયેલો એનો મનનો ઉચાટ જે છે એ ધીમે ધીમે શાંત થઈ જાય છે. યે થી આપકી પોયમ દેટ ઇઝ વતનનો તલસાટ. પર ઇસકો હમ એક શોર્ટકટ કીઝ કે દ્વારા ભી લર્ન કર સકતે હૈ. કેસે? યહાં પર બતાયા ગયા હૈ, બસ આપકો ઇતના લર્ન કરના હૈ. નંબર વન, વિદેશમાં રહી અને પાણી પી પીને પરેશાન થઈ ગયો છે. પોઈન્ટ નંબર વન, પાણી. નંબર ટુ, વતનની અંદર પ્રાણ એનો પછાડા મારી રહ્યો છે, મતલબ ઉછાળા માર રહા હૈ. નંબર ટુ ઇઝ અ પ્રાણ માગે પછાડા. નંબર થ્રી, વતનમાં કૂવો અને કૂવાની પાસેમાં પનિહારી. એ નંબર થ્રી આપકો યાદ રખના હૈ, દેટ ઇઝ પનિહારી. એ આપકો પી 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 આ રહા હૈ, પાણી, પ્રાણ, પનિહારી. ફિર ઉસકે બાદ બરગદ કા પેડ, બરગદ કે પેડ કે નીચે ક્યા હૈ? તો કે બરગદ કે પેડ કે નીચે એક દેરી હૈ મહાદેવનું, અને તે દેરી અંદર શું છે? તો કે મીઠા મધુર ગીતો ગાય છે લોકો. તો વડલો, વડલાની નીચે મહાદેવનું દેરું અને દેરાની અંદર મધુર ગીતો. વન ટુ થ્રી ઇસકે અંદર પોઈન્ટ હો ગયે. નીચે ગાય પણ છે અને બાળકો પણ છે. તો આજુબાજુમાં ગાયોનું ધણ છે અને બાળકો ત્યાં રમી રહ્યા છે. અને એ વડલાની ઉપર શું છે? તો કે વાવટો છે. એ આપ એક છોટા સા પિક્ચર અપને હિસાબ સે ડ્રો કર લો એક પેજ મેં, તો આપકો બહુત હી ઇઝીલી એ પોયમ, જો બહુત હાર્ડ હૈ પર આપ બહુત હી ઇઝીલી લર્ન કર સકતે હો. જિસમે પહેલે આપ ડ્રો કરો બરગદ કા પેડ, ઉસકે નીચે છોટા સા એક મંદિર, મંદિર કે પાસ થોડે બહુત લોગ બિઠા દો જો પૂજા કર રહે હૈ, ઉસકે બાજુ મેં ગાય ઓર છોટે બચ્ચે રખ દો, બરગદ કે પેડ કે ઉપર કે સાઇડ મેં ફ્લેગ ડ્રો કર લો, ઠીક હૈ. ઓર ફિર થોડે સે દૂરી પે આપ છોટા સા ફાર્મ બનાવો જિસમે ખેડૂત હૈ, ખેડૂત પત્ની હૈ, બચ્ચે હૈ જો વર્ક કર રહે હૈ, તો ખેડૂત, ખેડૂત પત્ની અને બાળકો. ઓર ફિર ઉસકે અંદર લીલાછમ પાક અગર ડ્રો કરના હૈ તો વો કર સકતે હો. તો ઇસ તરહ સે આપને મિત્ર બતા દીએ, આપને ઉસકે અંદર અપની બહેન કી યાદ બતા દી, બરગદ કા પેડ ભી બતા દિયા. તો યે સારી ચીઝે આપ લાઇન વાઇઝ કર સકતે હો. ઓર ફિર એક સાઇડ આપકો ડ્રો કરના હૈ જહાં પર એક શૈયા ડ્રો કરો, જો સ્મશાન કે અંદર હૈ, જો જલ રહી હૈ, તો વો આપ બતા સકતે હો કે માતાની યાદ પણ આની અંદર આવી રહી છે. માતાની યાદો સુગંધ માણી શકતા હોય તેમ અહીંયા બતાવી રહ્યો છે. આ હકીકતનું સ્મરણ થઈ આવતા જે લેખક હૈ, કવિ હૈ, ઉસકા મન કે અંદર કલ્પાંત હોતા હૈ. આમ કવિને વતન પાછા આવવાનો ઉચાટ ધીમે ધીમે શમી યાની કે શાંત હો જાતા હૈ. તો ઇસ તરહ સે આપ યે 13 પોઈન્ટ કો અગર આપ યાદ રખો, દેટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટેન્ટ પોયમ. યે આપકો ફર્સ્ટ ટર્મ કે અંદર, બીકોઝ ઓફ 13 નંબર હૈ, કભી કભી કુછ સ્કૂલ વાલે ફર્સ્ટ ટર્મ મેં ભી પૂછ લેતે ઇસકે ક્વેશ્ચન આન્સર, ઓર સેકન્ડ ટર્મ મેં તો આયેગા, બોર્ડ મેં ભી આયેગા, તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટેન્ટ પોયમ હૈ. સો ઇસકો અવોઇડ મત કરિયેગા. યે જો શોર્ટકટ કીઝ હૈ ઉસકે દ્વારા બહુત હી ઇઝીલી લર્ન કરિયેગા, ઠીક હૈ. ધન્યવાદ. હો સકતા હૈ કુછ ચીઝ રહ ગઈ હો, આપકો ના સમજ મેં આયે હો, તો પ્લીઝ નીચે કમેન્ટ્સ બોક્સ કે અંદર ઉસકો મુજે બતાયેગા, મેં આપકો જરૂર ઇસમે હેલ્પ કરૂંગા. જીતના હો સકે ઉસને ઇંગ્લિશ મીડિયમ કે જો ભી સેકન્ડ લેંગ્વેજ લેકે બેઠે ગુજરાતી, ઉન તક મુજે પહોંચને કા કોશિશ કરની હૈ. તો યે અપને મિત્રો કો, જો સ્કૂલ કે મિત્ર હૈ, ક્લાસ કે મિત્ર હૈ, આપકે રિલેટિવ્સ હૈ, ઉન સબકો જરૂર શેર કરિયેગા. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપકા દોસ્ત, આપકા મિત્ર, આપકા ગુરુ મહેન્દ્ર જોશી. આભાર.